नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको मालूम है पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि कोरोना वायरस से यदि बचना है तो यदि पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में तो आपको जो है दो मास्क जो है पहनने चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में वही मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मास्क जो है कितना परसेंट तक जो है आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है, और साथ ही साथ दो मास्क पहने तो कौन कौन से वो मास्क होने चाहिए, और भी दोस्तों सही तरह से मास्क जो है कैसे पहना जाता है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये जो रेफरेंस है अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग का, अमेरिका के हेल्थ विभाग के अनुसार, यदि दोस्तों आप सर्जिकल मास्क पहनते हो जो 10 रुपये का मार्केट में आता है, कहीं कहीं 5 रुपये हो जैसा जहां मिल जाए, यदि उसका आप यूज करते हो और आपके सामने कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो यदि छींक देता है या खांस देता है और मास्क नहीं लगाया है, तो दोस्तों आप जो है 56.1% तक चांस है कि आपको जो है कोरोना वायरस ना हो, लेकिन दोस्तों 44% चांस है कि आपको हो सकता है। वहीं दोस्तों, यदि कपड़े का मास्क आप यूज करते हो तो आपको 51.4% तक जो है सुरक्षा मिलती है कोरोना वायरस या फिर जो कप के जो छींटे रहते हैं उनसे। वहीं दोस्तों, ये नॉर्मल तरीके से बांधा हुआ मास्क है। यदि दोस्तों आपका मास्क ऐसा है जिसमें गांठ लगाकर बांधा गया है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मल है, तो दोस्तों 77% तक आपको जो है सुरक्षा दे सकता है ये मास्क। वहीं फ्रेंड्स, यदि आप कपड़ा और एक सर्जिकल मास्क दोनों कंबाइन तरीके से दोनों एक साथ बांधे हुए हो तो दोस्तों आपको ये दोनों मास्क जो है 85.4% तक जो है कोरोना वायरस से सुरक्षा देते हैं। यदि कोई आसपास कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज वहां पे छींक देता, खांस देता है तो। वहीं फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अमेरिका के ही CDC डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार दोस्तों डबल मास्क जिसमें एक कपड़े का और दोस्तों सर्जिकल या फिर डिस्पोजल मास्क, यदि दोनों